Your pretty eyes make me smile and your little fist. Hey everyone, welcome back to our channel. आज हम लोग वापस आ चुके एक नए व्लॉग के साथ और हमारे साथ as usual है मयंक. Hi everyone. आज हम लोग एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो इमोशनली कनेक्टेड भी है और थोड़ा फाइनेंशियली कनेक्टेड भी है. WTC, World Trade Center. So join us in this experience and do watch till the end of this video. पहुंच गए हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पाथ स्टेशन. और अगर मैं आपको ये पाथ स्टेशन दिखाऊंगी आप बिलीव नहीं कर सकते हो कि ये एक स्टेशन है. अभी हम लोग 9/11 मेमोरियल के पास आ चुके हैं और 9/11 अगर आपको याद होगा तो वही दिन था जब पूरी दुनिया शॉक में चली गई थी क्योंकि यहाँ के WTC के दो टावर्स को उड़ा दिया गया था जेट के थ्रू. यहाँ पे जैसा मैंने सुना है कि 4 जेट्स को इन लोगों ने हाईजैक करके रखा था और 2 जेट यहाँ की 2 टावर्स में क्रैश कराई गई थी और मोर दैन 3,000 लोगों की इसमें डेथ हो गई थी. तो वो दिन बड़ा ही शॉक वाला दिन था और उस दिन को ही ट्रिब्यूट देने के लिए जिन लोगों की उसमें डेथ हुई थी उन लोगों को ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ पे एक इन लोगों ने मेमोरियल जैसा बना के रखा है. तो हम लोग वहीं पे जाकर के देखने वाले हैं कि क्या है और कैसा है. सामने 9/11 का मैप है जिसमें आपको नॉर्थ एंड साउथ पूल दिखेंगे. ये ओरिजिनली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ एंड साउथ टावर थे जिनको 9/11 के इंसिडेंट के बाद पूल में कन्वर्ट किया गया था. और हम लोग अभी नॉर्थ पूल की तरफ जाने वाले हैं. जिन लोगों की डेथ इस इंसिडेंट में हो गई थी उन लोगों को ट्रिब्यूट देने के लिए इन दोनों पूल्स के बॉर्डर पे इन लोगों के नाम इस तरीके से लिखे गए हैं. अगर आप इन नामों को गौर से देखोगे तो आपको यहाँ पे हर नेशनलिटीज़ के नाम दिखेंगे. तो ये नॉर्थ पूल था और अभी हम लोग साउथ पूल की तरफ चलते हैं.
सो वी आर नाउ एट द साउथ पोल. ये दोनों पोल 192 फीट अक्रॉस लेंथ एंड 30 फीट डीप है एंड इट्स मेड ऑफ ब्लैक ग्रेनाइट विच रिप्रेजेंट्स डेथ. और इस पूल के अंदर जो आप ये छोटा सा पूल देख रहे हो ये भी 20 फीट गहरा पूल है. इस पूल को एक्चुअली इस तरीके से बनाया गया है कि ये कभी नहीं भर सकता और ये रिप्रेजेंट करता है कि जितनी लॉस 9/11 के टाइम पे हुई थी उस चीज़ को कभी भी भरा नहीं जा सकता. और इस छोटे वाले पूल के अंदर देखना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि वो कितना गहरा है. पेड़ है पूरी इस जगह पे जहाँ पे फॉल्स के कलर्स दिख रहे हैं. अभी तक तो सारे पत्ते झड़ चुके हैं लेकिन यही एक पेड़ है जहाँ पे मेरे को पत्ते दिख रहे हैं वो भी लाल और पीले. अच्छा ये है सर्वाइवर ट्री. जब 9/11 के टाइम पे यहाँ पे सब कुछ ही बर्बाद हो चुका था कुछ भी नहीं बचा था तो ये एक लौता पेड़ था जो बच गया था और यही रीजन है कि इसको सर्वाइवर ट्री कहते हैं. यहाँ पे दो तीन ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ पे आपको 9/11 से रिलेटेड प्रिंटेड टी शर्ट्स कैप्स और बैग्स ये सब मिल सकते हैं जिसकी आप शॉपिंग कर सकते हो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट 9/11. नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन. कल होना हो किसने नहीं देखी होगी, आप सबने भी देखी ही होगी. अगर आपने देखी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि वो कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पे प्रीति जिंटा शाहरुख खान और सैफ अली खान दोनों के लिए वेट करती रहती है. ओके देयर इज अ हिंट आल्सो, वो प्लेस स्टॉक मार्केट को इंडिकेट करती है. तो फटाफट आप कमेंट सेक्शन में बताओ अंटिल वी रीच दैट प्लेस.